भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नाम घोषित होने के बाद पितामह माता के दर्शन करने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचकर पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने उनसे संवाद करते हुए अपने पिता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे नेता प्रतिपक्ष के नाम पर जन समर्थन मांगते हुए कहा कि पिताजी का नाम जिंदा रखने के लिए आप लोगों को इस बार मुझ पर भरोसा जताना है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया को घेरते हुए कहा कि वहीं पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार के दौरान अटेर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है जिसके चलते अटेर के विकास में रुकावट पैदा हुई है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने कहा कि पिछले 5 सालों में यहां से विधायक और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया। विकास के नाम पर जनता से झूठ बोलते हुए हजारों करोड़ों के इन काम कराए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि भाजपा को 5 सालों में अटेर के विकास की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही आनन फानन में यहाँ भूमि पूजन और शिलान्यास की झड़ी लग गई। वहीं पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने बोलते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया थैले में नारियल लेकर निकलते हैं और जगह जगह उसे खोलकर भूमि पूजन करने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत सूचना जारी हुई है उसमें अटेर विधानसभा से मेरा टिकट फाइनल किया गया है। मुझे पहले से भी विश्वास था कि मुझे यहाँ पे पार्टी बढ़ाएगी और उसी क्रम में आज क्योंकि मेरा टिकट फाइनल हुआ है, मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, तो उसके रूप में मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था और अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते देते सबसे पहले और मैं अपने अटेर क्षेत्र की जनता को माथा टेक करके सभी बड़ों को प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में, क्योंकि ये जो सर्वे के आधार पर टिकट हुआ तो ये सर्वे जनता की आवाज थी और उन्हीं की मांग पर आज मेरा टिकट फाइनल हुआ है। अब टिकट हो गया है, इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा और आज मीडिया के साथियों के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरे भिंड जिले में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अटेर विधानसभा से निकाल करके दी जाएगी और इस प्रचंड बहुमत की आवाज इतनी जाएगी चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनकर के आएगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं, 1 महीने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो अटेर से मंत्री जी साफ हो चुके होंगे और प्रदेश में कमलनाथ जी का राज स्थापित हो चुका हुआ है। जैसे कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने जवाब दिया, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जनता समर्थन दे करके इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लोकतंत्र के हत्यारों को जो आरक्षण के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और सरकार बना करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अटेर विधानसभा की जहां तक मैं बात करूंगा, अटेर विधानसभा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, लोगों के ऊपर झूठी FIR की गई है, लोगों के अनावश्यक उनको प्रताड़ित करने के लिए ट्रांसफर किए गए हैं, यहाँ पर लोगों से इनकम टैक्स की जगह दद्दा टैक्स वसूला जाता है, इन सभी चीजों को लेकर के जो जनता ने प्रताड़ना झेली है 5 साल की, मैं समझता हूँ उनसे मुक्ति पाने के लिए हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति आएगा, कांग्रेस का साथ देगा, मुझे अपना बेटा मान करके मेरे पिता के नाम को जीवित रखने के लिए मुझे आशीर्वाद देगा और प्रचंड बहुमत से मुझे जिता करके भेजेगा विधानसभा में। यही मेरी प्रार्थना है सब लोगों से और मैं मीडिया के माध्यम से पूरी जनता से आशीर्वाद लेता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। मृदुभाषी के लिए भिंड से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।